The channel. The question number 21, chapter number 13, SC Verma. Find the ratio of the weight as measured by the spring balance of 1 kg block of iron and a 1 kg block of wood. Density of the iron 7800 kg per meter cube, density of the wood 800, and density of the air is 1.293 kg per meter cube. Hello guys, welcome again. I am your mentor Anurag Khurana. So, baat kar rahe hain question number 21, SC Verma fluid mechanics. Okay. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन पार्ट है कहता है कि मेरे को डेंसिटी गिवन है और क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग बैलेंस लेता है, उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ क्या कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है, ठीक है। अब वेट मेजर कितना होता है, जितना ये नीचे इसको क्या लगती है, डाउनवर्ड फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट फोर्स। लेकिन फ्लूड का चैप्टर है तो हम क्या कर रहे हैं, एयर को कंसीडर कर रहे हैं एज ए फ्लूड। एज ए फ्लूड कंसीडर करूँगा तो आर्किमिडीज कहता है कि जितना भी फ्लूड डिस्प्लेस होगा उतना ही क्या लगेगा इसके ऊपर, दैट विल बी बॉयंट फोर्स। क्या लगेगा इसके ऊपर, बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आने वाली है यहाँ पर वो आने वाली रही है, दैट इज एक नेट वेट क्या आने वाला है, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, वो जो को है बॉयंट फोर्स है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं गिवन क्या है, गिवन है जी डेंसिटी ऑफ आयरन दैट इज 7800 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वुड दैट इज अप्रोक्स इक्वल टू 800 kg पर मीटर क्यूब and density of air that is 1.293 kg per meter cube. ये मेरे लिए बेसिक क्वेश्चन है, सब कुछ इसी के अंदर एडअप करना है। तो नेट फोर्स मैं केसेस के लिए निकाल रहा हूँ, आयरन के लिए, किसके निकाल रहा हूँ, आयरन के लिए पहले केस कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ दैट विल बी केस फॉर द आयरन। सबसे पहला क्या है, एम जी, ठीक है, एम फॉर आयरन, जी माइनस बॉइंट फोर्स क्या होता है, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, मास ऑफ एयर, ठीक है, इंटू जी। जी वाले भैया कॉमन आ गए, एम आई गिवन है तो इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम आई क्या गिवन है मेरे पास, मास ऑफ आयरन दैट विल बी 1 kg, ठीक है, ओके दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट विल बी मास ऑफ एयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन तो है नहीं कुछ भी ऐसा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट विल बी मास डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम बराबर का वॉल्यूम हटर, जितना ही आयरन ब्लॉक का वॉल्यूम है उतना ही क्या एयर डिस्प्लेस हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन, और जी वैल सी कॉमन आ चुका है तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एम आई कितना दिया हुआ है, 1, डेंसिटी ऑफ एयर दैट विल बी क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.293 एंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन, वो आप निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो वॉल्यूम को, मास ऑब्लिक डेंसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है, इसको और पुट अप कर देता हूँ, 9.81 माइनस 1.293 एंड द मास ऑफ आयरन इज 1, तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी आने वाली आयरन की, 7800, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसको छोड़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, दैट विल बी सेम अप्लाई कर रहा हूँ किसके ऊपर, वुड के ऊपर। तो नेट फोर्स किसका निकाल रहे हैं, हम वुड का, तो क्या करने वाला हूँ, मास ऑफ वुड एंड जी माइनस बॉइंट फोर्स, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ। वेट ऑफ वुड जो नेट आने वाला है मेरे पास क्या आने वाला है, दैट विल बी इसका कितना, मास ऑफ वुड गिवन है दैट विल बी 1 kg, मास ऑफ उसका भी कितना, जी, जी कॉमन उसके अंदर भी आया था, सेम यहाँ पर आएगा, माइनस दैट विल बी यहीं से अप्रोच कर लेते हैं हम, ठीक है, सेम यही सिचुएशन बनने वाली है। तो दैट विल बी डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगी मेरे पास 1.293 मल्टीप्लाई में मास ऑफ वुड, मास ऑफ वुड कितना है, 1 ही है, डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी 800। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, दैट विल बी 9.81 माइनस 1.293 डिवाइडेड बाय 800, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वेट, आयरन ऊपर है और वो नीचे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू दैट विल बी 9.8 7800 1.293 डिवाइडेड बाय 7800 एंड 9.8 800 माइनस 1.293 800 9.8 कट, तो ये रेशियो बनने वाला है 7800 माइनस 1.293 डिवाइडेड बाय 7800 मल्टीप्लाई 800 एंड 800 माइनस 1.293 और जो इसकी वैल्यू आने वाली है दैट विल बी अप्रोक्स 1.0015, ठीक है।
तो ये क्या आने वाला है, इसका आंसर रेशियो है, कोई यूनिट नहीं आने वाली. सो दैट इज द आंसर, द वेट ऑफ द नेट वेट ऑफ द आयरन टू द वुड. ठीक है, उसके बाद भी कोई इशू है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.